हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी के इस क्लास में हम लोग बिजनेस टास्क को कंटिन्यू करेंगे। कल जहाँ तक ओवर किया था ना, उसके बाद से अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो बात किया जाए क्लास को, जस्ट अ सेकेंड। हमने लास्ट क्लास में मीन, मीडियन एंड मोड देख लिया था, उसके फीचर्स देख लिए थे। अभी के क्लास में वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो अभी हम लोग देख लिया। एक मिनट रुक जाओ, ये कनेक्ट नहीं हुआ है अब तक, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, अभी जो है हम लोग करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 5, जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड का क्लास है। माय नेम इज निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब आप समझोगे कि ये प्रिपरेशन किस चीज का चल रहा है। तो ये नेट और JRF और सेट क्लास के लिए है, मतलब सेट लर्नर्स के लिए हेल्पफुल होगा। जो भी एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल होगा। हम लोग जो है सभी का डिटेल क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत मैक्सिमम का कर चुके हैं, एंड जो बचा है वो आपका स्टार्ट बचा है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो कल के क्लास में हमने कंप्लीट किया था मैक्सिमम पार्ट, और हमारा पेपर 2 क्या है, हमारा पेपर 2 इज कॉमर्स। तो जो भी लर्नर अपना नेट JRF या फिर सेट का एग्जाम विद हेल्प ऑफ लाइक पेपर कॉमर्स कर रहे हो, उनके लिए ये चैनल ही बहुत बेनिफिशियल आई पास से, ठीक है? तो अभी हम लोग चलते हैं जहाँ से हमें स्टार्ट करने को है। लास्ट क्लास में हार्मोनिक मीन तक हम लोग जाने थे, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका, ये आपका एक बेल कर्व के जैसा होता है, जैसे कि आई वुड लाइक टू शो यू हियर, ठीक है? गूगल करके मैं दिखाती हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेट अ सेकेंड, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है बहुत यहाँ पे, ठीक है? तब तक आगे मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। चलो ओके, आ गया। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका एक बेल कर्व के जैसा होता है। मैं यहाँ पे एक एक करके सबका फीचर्स लिख रही हूँ। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। पहला फीचर क्या होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये आपका बेल कर्व के जैसा होता है। इट इज लाइक अ बेल कर्व, ठीक है? बेल कर्व के जैसा होता है, ठीक है? नेक्स्ट, ये आपका इस शेप में सारे डेटा होते हैं जो कि बिल्कुल ही सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है सिमेट्रिकल और एक वर्ड होता है असिमेट्रिकल, ठीक है? तो जब भी आपका सिमेट्रिकल का बात आएगा, यहाँ पे लिख लो अपने नोटबुक में, जब भी आपसे बोला जाए कि डेटा जो है सिमेट्रिकली डिवाइडेड है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है। सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या मतलब हुआ, बेल कर्व बोला ना, तो बेल कर्व इज लाइक दिस, ठीक है? बेल कर्व इज लाइक दिस, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा होता है वो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल होता है मतलब क्या होता है, इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि यू कैन सी, यहां से लेकर के यहां तक जो भी डेटा होगा दैट इज 100% डेटा, ठीक है? तो 50% यहाँ पे डिवाइडेड है एंड 50% यहाँ पे डिवाइडेड है, मतलब ये प्रॉपर डिवाइडेड होता है, प्रॉपर 50% डिवाइडेड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डेटा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दैट्स व्हाई ये आपका सिमेट्रिकल माउंट के जैसा होता है। मिडिल में टेपरिंग ऑफ इक्वली ऑन बोथ द साइड, ठीक है? जैसे कि यू हैव ऑलरेडी सीन कि दोनों ही साइड इक्वल है, ये भी साइड, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है? सेम चीज लिखा है। इट्स कॉमन इन मेनी रियल लाइफ सिचुएशन, इन दिस कर्व द मिडिल इज द एवरेज, मिडिल इज द एवरेज, ठीक है? मतलब ये जो मिडिल की बात की जा रही है, मिड की बात की जा रही है, दिस इज कॉल्ड एवरेज पॉइंट, इसको हम लोग एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द डेटा फॉल्स क्लोज टू दैट ऑफ एवरेज, एंड इसके क्लोज नियर बाय ज्यादा से ज्यादा डेटा होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर अवे यू गेट फ्रॉम मिडिल द फ्यूअर डेटा पॉइंट यू विल फाइंड, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि देखो, ये तो आपने देखा, अब फ्यूअर डेटा फाइंड मतलब क्या, मान लो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10। अब इसका मिडिल में आ जाते हैं, ये हो गया मिडिल, ठीक है? ये दिस 5 इज द मिड पॉइंट। अब इधर आधा डिवाइडेड है, इधर आधा डिवाइडेड है, ठीक है? इधर आधा डिवाइडेड है, इधर आधा डिवाइडेड है, यू कैन सी, ठीक है? तो
ये आपका हो जाता है नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे जो डेटा स्प्रेड है कर्व में, ये डिपेंड करता है जिसको हम लोग डिपेंड करता है ऑन समथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब इसमें जो भी डेटा स्प्रेड है, जो भी डेटा स्प्रेड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, दिस बेल कर्व इज इम्पॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक बिकॉज मेनी थिंग्स इन लाइफ टेंड्स टू फॉलो दिस पैटर्न। बेल कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लाइफ में भी बहुत कुछ जो है इसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जैसे कि हाइट, वेट, पीपल का टेस्ट स्कोर हो गया एंड मोर। ठीक है, अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि इसमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों चीज होता है। क्या क्या, मीन, मीडियन एंड मोड, ऑल द थ्री थिंग्स आर अवेलेबल एंड सब के सब आपका इक्वल होते हैं। यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो मीन होगा, जो मोड होगा एंड मीडियन होगा, सबका सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिमेट्री अभी जस्ट बताया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में डेटा जो होता है सिमेट्रिक होता है, दैट मींस आपका मीन के अराउंड, मीनिंग इसका ये है कि दोनों साइड जो है मीन, मतलब दोनों साइड ही मीन होता है, मतलब इक्वल होता है डेटा जो होता है पूरा प्रॉपर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, डेटा आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नाउ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इधर में आपका 50% आ गया, इधर में 50% आ गया, तो दोनों तरफ बैलेंस है क्योंकि दोनों तरफ ही आपका इक्वल डेटा है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि दोनों तरफ ही आपका डेटा जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में, बैलेंस्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज फॉल ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, जैसे कि आपने देखा लेफ्ट सेंटर में होता है, एंड एग्जैक्टली हाफ वैल्यू फॉल्स टुवर्ड्स द राइट, तो आधा लेफ्ट एंड आधा राइट, तो दोनों जब लेफ्ट राइट में हो रहा है इक्वल इक्वल, तो वो आपका बैलेंस डेटा को कवर करता है। टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया होता है कर्व के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वन, मतलब ये पूरा टोटल एरिया को हम क्या मान रहे हैं, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वन। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर ये जो पूरा एरिया आ रहा है, पूरा एरिया जो आ रहा है, ये पूरा एरिया है दैट इज इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू वन। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एंटायर प्रोबेबिलिटी स्पेस, टेल नेवर टच एक्स एक्सिस। टेल जो होता है, टेल का मतलब क्या है, मैं इसी में बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे आप दो डायग्राम देख रहे हो, ये दोनों में ना ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब क्या, आप जब एग्जाम में ऐसे बनाते थे ग्राफ, तो ये आपका हो जाता था वाई एक्सिस, ये हो जाता था एक्स एक्स, वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, याद है जब आप ग्राफ बनाते थे। तो इसमें तो टच होने का कोई बात नहीं है, बट आपको पता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कभी भी ना, आपका टेल से कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कॉर्नर को हम टेल बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉर्नर को टेल बोलते हैं, और ये कभी भी ये एक्सिस को टच नहीं करेगा, याद रखना हमेशा ही वाई एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नेवर एवर, नेवर टचेस, नेवर टचेस एक्स एक्सिस, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। यहाँ पे आपका डायग्राम में टच कर रहा है, ये डायग्राम करेक्ट नहीं है इसका मतलब। ठीक है, बस ये शो करने के लिए आपको मैंने लाई थी कि 50% एरिया यहाँ पे देख रहे हो, 50% यहाँ एरिया का, तो मतलब ये 100% ये मीन हुआ। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। तो उस डायग्राम में आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा है, देखो यहाँ पे एवरेज लिखा है, मतलब दिस इज द मीन, दिस इज वॉट मीन। ठीक है, एंड एग्जैक्टली 50% आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड है एंड 50% ऑफ डेटा इन द राइट साइड। आप देख सकते हो यहाँ भी 50% डेटा इन द लेफ्ट एंड 50% इन द राइट, एंड ये जो मिड वैल्यू है व्हिच इसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, तो इसको हम लोग एवरेज के साथ साथ इसको हम लोग मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। द टेल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड, आपको ये कहीं भी पूरा फैल सकता है, कितना भी एक्सटेंड हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टेल है ना, ये कितना भी एक्सटेंड हो जाएगा कोई इशू नहीं है उसमें, एक्सटेंड होने दो। ठीक है, ये कितना भी एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये आपका, कभी भी आपका ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। मतलब ये जो एक्सिस बना रही हूँ ना मैं, इसको कभी भी ये टच नहीं करेगा, ये दोनों का बीच में गैप रहता है। ठीक है, तो टेल, टेल कैन एक्सटेंड, एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, बट नेवर, नेवर touches, never touches x-axis, clear है? कभी भी x-axis को touch नहीं करेगा। Empirical value क्या है? देखो, empirical rule क्या है? ये देखो क्या बोलता है? अभी normal distribution का देखा ना, जैसे कि मान लो एक picture है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास सभी का height है, all the people in the city, आप एक city में रह रहे हो, आपके city में जितने भी इंसान रह रहे, जितने भी people रहे, सबका height हमने note down करके रखा है, जिसमें से हमने नोटिस किया कि बहुत सारे पीपल जो है दे आर ऑफ एवरेज हाइट।
कितना एवरेज हाइट का है, एंड कुछ उसमें से जो है टॉल है बहुत ज्यादा और कुछ जो है बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने एक डेटा निकाला है, ठीक है, लेट्स सी, हमने एक डेटा निकाला है आपके सिटी का, ठीक है, एंड आपकी सिटी का जो डेटा निकाला इसमें से जितने भी इंसान है, जितने भी पीपल है, सभी को लिया, ऑल पीपल, सभी को लिया, ठीक है। एंड हमने ये नोटिस किया कि हमें हमारे पास जो डेटा आ रहा है इसमें से कुछ जो है मोस्ट आपका एवरेज हाइट है, ठीक है, कुछ जो है बहुत ही टॉल है और कुछ जो है बहुत ही शॉर्ट होते हैं, राइट। आपने क्लास में भी देखा होगा, आप जब स्कूल जाते थे तो कुछ बच्चे काफी छोटे होते थे, कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही लंबे होते थे और कुछ बच्चे एवरेज हाइट के होते थे। तो ये जो डेटा हमने नोटिस किया, ठीक है, ये डेटा हमने नोटिस किया। अब आगे देखो क्या होता है। इफ यू मेड अ ग्राफ, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये आपको बिल्कुल एक बेल जैसा दिखेगा, लॉट्स और लॉट्स इन मिडिल एंड नॉट सो मेनी साइड्स, एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ, अगर आप डेटा बनाओगे तो आप ऐसे डेटा बनाते हो इसमें, ठीक है। अब क्या होता है, जो सबसे लंबा आएगा बच्चा वो यहाँ पे आ जाएगा बीच में, एंड 50% बच्चे यहाँ आ जाएंगे जो आपके टॉल हाइटेड है, एंड 50% बच्चे यहाँ आ जाएंगे जो आपके शॉर्ट हाइटेड स्टूडेंट्स है। तो कैन यू सी कि ये जो डेटा है ये बिल्कुल आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के जैसा दिख रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जैसा दिख रहा है, राइट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जैसा दिख रहा है। वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या है, विद दीन 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन अप्रोक्सीमेटली। इन स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो अंदर का जो डेटा है इसी को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, राइट, अंदर में जो डेटा है इस डेटा को ही हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा ये है, इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदिन 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, विदिन 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम द मीन अप्रोक्सीमेटली 95% जो डेटा का है वो कर्व के अंदर होगा, एंड जो आपका कॉमनली नोन एज 95% रूल और द 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन रूल। मतलब इसमें लिखा है कि जिसमें से 95% जो डेटा है ना, ये डेटा आपका किसके अंदर होगा, आपका वो कर्व के अंदर होगा, एंड ये 95% डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन, आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन रूल, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन रूल। सेम थिंग यहाँ लिखा है, फिर से बता रही हूँ, ये आपका एम्पिरिकल रूल है, विदिन 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है, मीन से 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्सीमेटली जो 95% डेटा का होगा कर्व के अंदर, अंडर द कर्व, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 95% रूल भी बोल सकते हैं या फिर 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन रूल बोल सकते हैं, क्लियर है। मूविंग अहेड, अब ये देख चुके हो आप, अब मीन देखो क्या होता है। मीन मतलब एवरेज, जो अभी जस्ट मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में दिखाया था कि एवरेज कहाँ दिखता है, तो जो दिस इज जस्ट द एवरेज हाइट, इफ यू एडेड अप एवरीवन्स हाइट एंड डिवाइड करोगे उस नंबर को ऑफ पीपल, देन यू विल गेट अ नंबर जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक फैंसी वे है ऑफ टेकिंग अबाउट कितने पीपल जो है उनका हाइट एवरेज से भी वेरी कर रहा है। If everyone were exact of same height, अगर मान लो सभी का same height है, तब आपका standard deviation क्या आता? Zero आता। अगर सभी का मान लो, अगर हम मान लेते हैं कि आपके city में जितने भी person रहते हैं, सभी का height जो है 5 है, तब आपका standard deviation कितना आता? Your standard deviation would have become zero। क्या हो जाता? ये zero हो जाता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे कि सभी का height जो है वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये जो नंबर है ये हेल्प करता है आपको समझने में कि डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है एंड किस परसेंटेज में स्प्रेड हुआ, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन मीन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये अब 68.2% विदिन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इमेजिन करो आपके पास स्केल होगा, अब स्टार्ट करो उसमें एवरेज हाइट को लेना, मेजर करो लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट एंड राइट, एंड आप देखोगे अबाउट 68 out of 100 पीपल विल बी विदिन द रेंज, क्योंकि ज्यादा ना ही लंबा होगा, ज्यादा ना ही शॉर्ट होगा, मतलब एवरेज हाइट का होगा, ठीक है। तो ये नंबर आपको याद रखने का होगा कि 68.2 विदिन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना लेते हैं, 95.4।
अब देखो, अब स्केल को थोड़ा और आप आगे देखो दोनों साइड, अब देखोगे 95% आउट ऑफ 100 पीपल जो है ना, ये आपका ऑलमोस्ट एवरीवन, सभी जो है आपका टॉलर एंड शॉर्टर में इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। एंड 99.7% जब हम 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पे आते हैं, अब थोड़ा और रूलर मतलब अपने स्केल पे और थोड़ा देखो आप, ठीक है। आप देखोगे हर एक कोई आपके सिटी में से बस कुछ ही को छोड़ के, जैसे कि 3 पीपल को छोड़ के जो ना ही टॉल है ना ही शॉर्ट है, मतलब एवरेज है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। नाउ अब इसको समझना कैसे, नाउ सोचो, थिंक ऑफ एवरेज हाइट एज अ मिडिल ऑफ सीसॉ, ये एक सीसॉ हो गया, ठीक है, सीसॉ। अब जो एवरेज हाइट की है ना, वो मान लो ये मिडिल में है, ठीक है, मिडिल में है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, लाइक स्टेप अवे फ्रॉम द मिडिल, 1 स्टेप कैचेस मोस्ट पीपल, 2 स्टेप कैचेस इवन मोर, एंड 3 स्टेप ऑलमोस्ट एवरीवन। हम जब 1 स्टेप का देख रहे हैं तो कुछ पीपल को हम ले रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल को हम कैच कर रहे हैं। जब हम 2 स्टेप सेकेंड स्टेप में ले रहे हैं तो हम इवन मोर वी कैन सी, इवन मोर पीपल वी कैन सी। और जब हम 3rd स्टेप में आ रहे हैं तो हम इसमें सभी को इंक्लूड कर ले रहे हैं जिसके हेल्प से हमने डेटा देखा। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये आपको बताता है कौन सा परसेंटेज, ये सब जो परसेंटेज है ये सब, ठीक है, ये सब परसेंटेज आपको क्या बताता है कि आपने लाइक यू हैव इंक्लूडेड, आपने सभी को इंक्लूड किया है फ्रॉम द मिडिल यूजिंग द रूल। मीन्स इस रूल को के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कैसे सिमिलर और डिफरेंट थिंग्स से आपका पीपल का हाइट वेरी कर रहा है, जहाँ पे बहुत सारे इंसान जो है दिस इज दे आर क्लोज टू एवरेज, जो कि स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है, वेयर देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ वेरिएशन। बट लेकिन अगर आप देखोगे लॉट ऑफ द पीपल आर अ बिग स्टैंडर्ड डेविएशन, जहाँ पे पीपल हाई वेरी अ लॉट। तो ये वाला यू हैव टू लॉ, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन जब 1 की बात आती है 68.27, 1.96 95%, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं आया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 99.73, यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 68.27, 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन 95%, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95.45, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99.73, ठीक है। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जो एग्जाम में एनटीए के द्वारा पूछा गया था आपसे, तो आप लिख लोगे अपने एग्जाम में मतलब नोटबुक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTI, जब आपका बात आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप देख लो अभी। जैसे कि आप लिखोगे सबसे पहले इसमें मीन हुआ, ठीक है, मीन हुआ, मोड हुआ एंड मीडियन हुआ, ये तीनों का तीनों हमेशा क्या होता है, आर ऑलवेज ऑलवेज इक्वल। अब इक्वल वर्ड ना लिख के, इक्वल वर्ड ना लिख के आपको लिख देता है, मान लो कि यहाँ पे यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये भी कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, जो ये वाला सेंटेंस है ना, इसी का दूसरा वर्जन ये वाला सेंटेंस है। अब मान लो यहाँ पे लिख दे रहा है एक और वर्जन, दैट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, तो ये भी क्या आपका दूसरा कुछ फीचर है, नहीं, ये भी आपका सेम प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि मीन हुआ, मोड हुआ एंड मीडियन हुआ, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ठीक है, सबके सब इक्वल है, समझ में आया। मीन्स फर्स्ट पॉइंट को आप कितने फॉर्म में लिख पा रहे हो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं, इसमें एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी एक फर्स्ट पॉइंट का ही आप बोल सकते हो, एक नेक्स्ट मतलब दूसरा तरीका है एक्सप्लेन करने का, ठीक है। अगर इसमें मान लो लिख दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, लिखा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि डेफिनेटली मीन, मीडियन एंड मोड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा स्टेटमेंट का हेल्प लिया, अलग अलग वर्ड क्या यूज किया इसमें। आप देख सकते हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, सबके सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यू होता है. सेंट्रल वैल्यू दैट मींस मीन मीडियन एंड मोड ऑल आर इक्वल. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई ये डिस्ट्रप्शन नहीं होती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल. डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल. तो ये आपका फर्स्ट इसका लाइक प्रॉपर्टी हो गया. सेकेंड प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हो, टोटल टोटल एरिया, टोटल एरिया अंडर द कर्व. टोटल एरिया अंडर द कर्व मतलब हम कर्व के अंदर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है. फॉर फॉर नॉर्मल, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू वन. ये हमेशा एक के बराबर होता है. जैसे कि ये हुआ आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका कर्व. तो इस कर्व के अंदर वाले इस एरिया की बात हो रही है. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वन, हमेशा एक के ही बराबर होता है, ठीक है. अब नाउ थर्ड फीचर आप देख सकते हो कि एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज, एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, DEVIATION. एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन द कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप, बेल शेप का होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वेल एज बेल शेप के साथ साथ ये आपका प्रॉपर तरीके से सिमेट्रिकल होता है. क्या होता है? सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है. ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. फोर्थ में आप लिख सकते हो कि इसमें हमेशा ही आपका इम्पेरिकल रिलेशन होता है, EMPIRICAL, इम्पेरिकल रिलेशन होता है. नाउ अगेन इम्पेरिकल रिलेशन मतलब क्या? इम्पेरिकल रिलेशन मतलब अभी मैं लिखती हूँ आपको समझ में आएगा. बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, तीनों का हमेशा इक्वल रिलेशन होता है. मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, तीनों का हमेशा लाइक इक्वल रिलेशन होता है. इम्पेरिकल मत लिखो, इक्वल ही लिखो, इक्वल इक्वल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. ओके एक मिनट देखें तो मुझे कुछ छूटा तो नहीं है, अगर कुछ छूटा होगा तो बता दूंगी. अच्छा इसमें अनस्क्यूड डेटा नहीं होता. अनस्क्यूड डेटा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब कुछ आपका अनस्क्यूड नहीं होता है. सॉरी एक होता है, देखो दो वर्ड है, एक हो गया स्क्यूड और एक हो गया नॉट स्क्यूड. तो ये दोनों का बीच में भी कंफ्यूज नहीं होना है. स्क्यूड एंड नॉट स्क्यूड क्या होता है? जब भी आपसे स्क्यूड की बात हो, स्क्यूड की बात, ठीक है, स्क्यूड मतलब क्या होता है एंड नॉट स्क्यूड मतलब क्या होता है. नॉट स्क्यूड मतलब क्या हुआ कि डेटा इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये आपका कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमेट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिकल को. बट व्हेन डेटा इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तब आपका हम लोग क्या समझेंगे इसको? स्क्यूड डेटा है हमारे पास, ठीक है. तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है. इतना एनफ है आई बिलीव. ये सब आपके क्वेश्चन में पूछे गए थे तो इस वजह से मैंने लिखा है कि कुछ अगर नया टर्म लिख दे तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये आपका नेक्स्ट मीनिंग था. अब एक फॉर्मूला लिख लो. अगर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा तो दैट इज जी इक्वल्स टू एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जिसमें दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग मीन एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके चलो अब इतना दूर तक तो क्लियर है.
अब एक चीज ये अगर लिखना चाहो तो चलो ठीक है, इतना लिख लिए हो गया। अब ये जी स्कोर देखो, जी स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अभी जस्ट देखा जी स्कोर ये वाला, इसका इसकी बात हो रही है, जी स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखो जी स्कोर क्या होता है, जी स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दैट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। देख सकते हो 50% ऑफ वैल्यू इन द लेफ्ट एंड 50% ऑफ वैल्यू इन द राइट। तो सिमेट्रिकल मतलब दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया इसका कि डेटा इज प्रॉपरली सिमेट्रिकल दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड पॉइंट ये लिख लो कि इसमें आपका मीन हो जाता है हमेशा जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो एंटायर कर्व अंडर 100% या 1.00, मतलब ये पूरी कर्व की एरिया जो ये ब्लू बॉक्स के अंदर, ब्लू कर्व के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 100% ऑफ डेटा। एंड यहाँ पे मीन आपका जीरो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू वन। और साथ ही साथ ये भी लिख लो यहाँ पे मीन, मीडियन, मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, क्लियर, ठीक है। दिस इज द जी स्कोर, जी वैल्यू। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेम चीज लिखा है जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया वो वाले डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेम चीज, जी स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे, जी स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिकल होता है, दैट मींस डेटा इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन इज इक्वल टू जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वन। जहाँ पे मीन हुआ, मीडियन हुआ एंड मोड हुआ, सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब ये एक सिमेट्रिकल डेटा होता है, सिमेट्रिकल डेटा होता है। यहाँ देख सकते हो इंटायर एरिया अंडर द कर्व इज 100%, इधर भी 50 आ गया और इधर भी 50 आ गया, दैट मींस आपका 50 50 100% हो गया। यहाँ पे देख सकते हो द मीन वैल्यू इज जीरो, मीन वैल्यू इज जीरो, दिस इज द मीन एंड मीन को हमने रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, आप यहाँ भी देख सकते हो मीन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है। तो मीन वैल्यू इज ऑलवेज जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू वन, यहाँ पे दिस इज लाइक दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू वन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ये वाला ही फॉर्मूला है जो वहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज में, दैट इज दिस इज एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मीन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अच्छा, उसके उससे बढ़ने से पहले मैंने जो आपको ये परसेंटेज वाला बताया था अभी जस्ट, ठीक है, अब इसका एक डायग्राम अटैच है, इसमें हमें देख लेती हूँ, नहीं इसमें अटैच नहीं है, ठीक है, इंपेरिकल रिलेशन एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा चलो, दिस इज अ एनडी कर्व, ठीक है, दिस इज अ एनडी कर्व। अब आपको मैंने 3% दिया है, अब वो 3% डिवाइडेड कैसे कैसे है ये हमें देखना है। दिस इज द मीन वैल्यू व्हिच इज द एवरेज एंड मिडिल वैल्यू, ठीक है, एवरेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है कि एक ये हो जाता है आपका फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट स्क्वायर। उसके बाद आप देख लो, ठीक है, ये हो जाता है आपका सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो सेकंड एरिया कवर करता है। एंड ये हो जाता है सबसे लास्ट, जो आपका लास्ट कवर करता है, ठीक है, लास्ट कवर करता है, ओके। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल रही हूँ, जो वैल्यूज आपने अभी जस्ट देखा था, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू की बात करूँ तो दिस इज 68.2%, ठीक है, ये वैल्यू हो जाता है आपका 95.4% एंड दिस वैल्यू 99.7% वैल्यू, ठीक है। अब ये हो जाता है आपका मीन, ठीक है, एंड मीन के बाद दिस इज मीन, ये प्लस पार्ट होता है ना, प्लस जीरो, प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, जस्ट यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है।
तो 68.2% वैल्यू फॉल करता है नियर द स्टैंडर्ड डेविएशन, नियर द एवरेज, वेयर एज 95.5% डेटा कहाँ फॉल करता, 95.4% डेटा आपका ये वाला डेटा जो है विदिन टू स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉल कर रहा है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 99 में, जिसमें सब कवर हो जा रहा है, ये वाइट एरिया कवर करता है, ठीक है। तो ये आप नोटबुक में ऑलरेडी लिख चुके हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब मूविंग अहेड, अब आगे देखते हैं हम लोग एम्पेरिकल रिलेशनशिप। व्हाट इज एम्पेरिकल रिलेशनशिप, आपको क्वेश्चन में आता है हमेशा एम्पेरिकल रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन, ये मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या है, ठीक है, इसको समझना, दैट इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप। अब ये ना हमेशा इक्वल होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा क्या है, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये आपको लिखा है। बट हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या होता है आपका, दैट इज 3, पहले तो मीडियन लिख लो, मीडियन, मीन, मीडियन, मीन एंड मोड, ठीक है, मीडियन, मीन एंड मोड। अब जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे 3, 2 and 1 equal का sign and यहाँ minus का sign, ये होता है आपका exact relationship between median, mean, median and mode, exact relation, that is आप कैसे इसको याद रखोगे, इसको याद रखने का देखो पहले एक mean, mode, अब आप एक चीज याद रखो कि जो सबसे big है, सबसे big word, that is median, तो median सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमने लिखा है मी मी मो, मी हो गया, अब एक और मी बचा तो मी इक्वल्स टू मोड, ठीक है, मी मी मो हो गया, बस सिंपल है। अब यहाँ नंबरिंग डाल दो, नंबरिंग कैसे डालोगे, दिस इज द 3 नंबर, दिस इज 2 नंबर एंड दिस इज 1 नंबर, मी मीडियन एंड मो, क्लियर है, मी मीडियन एंड मो। तो ये आपका एम्पिरिकल रिलेशन है जो आपको याद रखना। अब जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ देखो ये वाला, तो आपको एम्पिरिकल रिलेशन है या नहीं ये फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 मीन हो जाएगा, माइनस यहाँ भी हो जाएगा आपका 3 मीडियन, समझ में आया, ओपन किया ब्रैकेट उसके बाद का। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक करके, जैसे कि यू कैन सी कि यहाँ भी एक मीन है और यहाँ भी एक मीन है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस, मतलब यहाँ 2 मीन हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 3 मीडियन हो जाएगा और यहाँ पे अकेला एक बचा मोड, मोड बचा, राइट, मोड बचा। अब एज पर तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 मीडियन होना चाहिए, क्या हमारे पास 3 मीडियन है, यस 3 मीडियन है, माइनस 2 मीन होना चाहिए, 2 मीन भी है, ठीक है, और एक मोड होना चाहिए और हमारे पास यहाँ पे एक मोड भी है, तो क्या ये आपका एम्पिरिकल रिलेशन हो सकता है, लेट्स सी दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग साइन को चेंज करेंगे, जैसे ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा मोड का, अच्छा ये माइनस साइन उतरेगा ना, यहाँ पे ये माइनस साइन यहाँ पे है तो इसके साथ साथ ये भी उतरेगा, तो माइनस को प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो मोड आ गया प्लस में, ओके, एंड यहाँ पे आ गया माइनस 2 मीन एंड यहाँ पे हो गया प्लस 3 मीडियन। अब इसको एक साथ लिखो, चलो क्या क्या लिखा है, 2 मीन माइनस में है, ठीक है, 2 मीन माइनस में यहाँ लिख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो मोड अभी प्लस में आ गया, तो मोड को यहाँ पे लिख दिया प्लस में, ठीक है, एंड यहाँ भी आपका 3 मीडियन प्लस में आ गया, यहाँ पे 3 मीडियन लिख दिया, आ गया हमारा रिलेशनशिप समझ में। दैट मीन्स ये इक्वेशन, ये जो लिखा था, दिस इज अ ट्रू रिलेशनशिप, दिस इज शोइंग अ ट्रू रिलेशनशिप, ये एक सही रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में अगर देते हैं तो हमें फाइंड करके चेक करना होगा कि वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, वो सही है या नहीं सही है। जैसे कि और एक मैं आपको बताती हूँ, चलो एक और आपको मैं समझा के दिखाती हूँ, सेकेंड नंबर, अगर मान लो लिखा हुआ है मोड माइनस मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मीन, सेम तो नहीं है ना, माइनस नहीं, सेम नहीं है, चलो इसको सॉल्व करो। देखो अब सॉल्व करते हैं इसको, मोड का मोड लिखा, माइनस मीन का मीन लिखा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 मीडियन हो जाएगा, माइनस 3 मीन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो,
थ्री थ्री लग रहा है, पहले ही लग रहा है कि ये गलत होगा, बट इसको सॉल्व करके हम चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ थ्री मीडियन तो है और हमें थ्री मीडियन भी चाहिए होता है, बट मीन हमें टू चाहिए, तो मीन यहाँ पे भी एक है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे मोड लिखती हूँ मैं और यहाँ पे आपका थ्री मीडियन लिखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, बट अच्छा रुको इसको थ्री, वेट हम तो ऐसे कर सकते हैं ना, लाइक अगर ये मोड है, ठीक है, ये माइनस किया मीन, ये इधर माइनस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, थ्री मीन हो जाएगा इक्वल्स टू थ्री मीडियन, ऐसे तो हम कर सकते हैं, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ मोड हो गया एंड प्लस माइनस माइनस टू मीन हो गया इक्वल्स टू थ्री मीडियन, क्या हमारा यही रिलेशन होता है? देखो लिख करके इसको इक्वल करके, पहले हमारा मीडियन आता है, फिर आपका आता है मीन, मी मी एंड मो मो मोड, ठीक है। अब नंबरिंग डालो एंड माइनस प्लस जो है वो वाला डालो, तो यहाँ पे थ्री हो गया, माइनस टू एंड यहाँ पे वन हो गया। तो चलो लेट्स चेक इट आउट, क्या आपका रिलेशन बैठ रहा है यहाँ पे? तो मोड तो एक ही है, यस मोड यहाँ भी एक ही है, दैट मींस करेक्ट। टू मीन, टू मीन है एंड माइनस में भी है, यस। एंड थ्री मीडियन, थ्री मीडियन एंड यहाँ पे मीडियन, दैट मींस दिस रिलेशन वाज ट्रू रिलेशन एंड अ करेक्ट रिलेशन, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना होगा। अब जैसे मान लो एक और रिलेशन मैं दे रही हूँ, मान लो लिखा है यहाँ पे मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन इक्वल्स टू थ्री मीन माइनस मोड, माइनस मोड। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट ओपन किया, मीन लिखा, माइनस मीडियन लिखा, इक्वल्स टू थ्री मीन माइनस थ्री मोड। अच्छा अब देखो ये ना देख के ही पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग है। कैसे पता है? अभी तक हमने देखा क्या, मोड हमें एक चाहिए होता है, मोड हमें कितना चाहिए होता है, मोड हमेशा वन होता है, मोड हमेशा वन होता है, ठीक है, मोड हमेशा वन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मोड हमेशा वन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थ्री मोड लिखा है। क्या क्वेश्चन में और कहीं मोड है? ये तो मीन है, ये मीडियन है, ये भी मीन है, मतलब मोड को थ्री से कम करने का कोई उपाय है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मोड को हम लोग थ्री से और कम कर सकते हैं। बट हमें मोड कितना चाहिए होता है? एक मोड चाहिए होता है, जिसके वजह से वी कैन से कि दिस रिलेशन इज अ फॉल्स रिलेशन, दिस रिलेशन इज अ रॉन्ग रिलेशन। क्योंकि हमें चाहिए होता है मीडियन, फिर होता है आपका मीन, मीन इक्वल्स टू मोड, ठीक है, जिसमें से इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पे आ जाएगा थ्री माइनस टू एंड माइनस वन मोड, वन मोड, राइट। और यहाँ पे थ्री मोड लिखा है, जिसकी वजह से दिस रिलेशन इज अ रॉन्ग एंड अ फॉल्स रिलेशन। समझ में आया फॉल्स और करेक्ट कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं? वेरी इजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्यूनेस का मतलब दिया, स्क्यूनेस एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके हेल्प से आप देख सकते हो असिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन, डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपल टर्म में ये आपको बताता है कि जो शेप है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये या तो लेफ्ट है या फिर राइट होगा, या फिर लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा। जो शेप है ना, ये तो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, बट स्क्यूनेस की हेल्प से हम देखेंगे कि डेटा लेफ्ट की तरफ ज्यादा घुमा है क्या, डेटा राइट की तरफ ज्यादा घुमा है, ठीक है। मतलब स्क्यूनेस आपको बताता है कि डेटा आपका, डेटा का जो शेप है वो ज्यादा किस तरफ झुका हुआ है, लेफ्ट के साइड या राइट के साइड, इन परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका परफेक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है? यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ परफेक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे किधर भी आपका देखोगे लेफ्ट भी इक्वल है, राइट भी इक्वल है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट स्क्यूनेस में क्या होता है, स्क्यूनेस में हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड ज्यादा होगा या तो फिर राइट साइड ज्यादा झुकाव होगा, ये हमें देखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। हाउएवर मोस्ट रियल वर्ल्ड आरेंट परफेक्टली सिमेट्रिकल, विच इज ट्रू कि इन द रियल वर्ल्ड कुछ भी आपका परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता है, एंड दैट्स वेयर स्क्यूनेस कम्स इन टू प्ले, एंड तभी आपका स्क्यूनेस का पॉइंट आता है। यहाँ पे आप देखोगे इट इज लाइक अ क्लासिक बेल कर्व, ठीक है, ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे डेटा स्प्रेड नहीं हो रहा है,
डेटा दोनों साइड इक्वल स्प्रेड नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे स्क्यूनेस के जगह क्या हो रहा है, सॉरी स्क्यूनेस हो रहा है, स्क्यूनेस हो रहा है। कैसे स्क्यूनेस हो रहा है, जैसे कि ये देखो आपका यहाँ पे इस डेटा में देखोगे आप, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखोगे एक ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्या है, दिस पॉइंट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका मीन है एंड ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर मैं बात करूँ इसको हटा के, ठीक है, ये अगर रहते दैट इज अ परफेक्ट सिचुएशन, बट यहाँ परफेक्ट सिचुएशन नहीं है ना। कैसे परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन लाइन को देखोगे तो ये आपका इस साइड ज्यादा है, दैट मीन्स ये आपका राइट साइड ज्यादा है, और राइट साइड जब ज्यादा होता है तब क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड होता है, ठीक है। स्क्यूनेस मतलब समझा, स्क्यूनेस मतलब क्या हुआ, स्क्यूनेस आपको बताता है कि डेटा डेटा या तो आपका लेफ्ट साइड ज्यादा झुकाव होगा या फिर आपके डेटा का राइट साइड ज्यादा झुकाव होगा। ऐसे इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे स्क्यूनेस का चांस ही नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस का कोई चांस नहीं है। कैसे चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है दैट इज परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे डेटा इज परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बट स्क्यूनेस का पॉइंट कहाँ आता है, जब डेटा आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम लोग, ये तो इतना अच्छे से नहीं बना है, ओके दिस इज द लाइन एंड यहाँ पे आप देखो किधर ज्यादा जा रहा है, किधर जा रहा है ज्यादा साइड, राइट साइड ज्यादा जा रहा है, राइट साइड ज्यादा जा रहा है, ठीक है। और जब आपका राइट साइड ज्यादा झुकाव होगा डेटा का, व्हेन देयर इज राइट साइड जब ज्यादा झुकाव होगा तो राइट साइड ज्यादा झुकाव होने से क्या होता है, दैट इज द नेगेटिव नहीं होता है, दैट इज द पॉजिटिव आपका स्क्यूनेस होता है। यहाँ रॉन्ग लिखा है, ठीक है, अब यहाँ देखो, हाँ पॉजिटिव, राइट साइड ज्यादा झुकाव हुआ है तो क्या हुआ है, यहाँ पे ये आपका एक पॉजिटिव साइड को शो करता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें कैसे पता चला, हम जब ग्राफ टेबल में ऐसे लाइन बताते थे, बनाते थे, दिस वॉज जीरो, यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते थे एंड यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स लिखते थे, राइट। तो आपका डेटा जब इधर साइड ज्यादा झुका है तब तो ये पॉजिटिव साइड में आ रहा है, मतलब राइट साइड जब झुकेगा ज्यादा तब आपका एक पॉजिटिव साइड का शो करेगा, पॉजिटिव साइड शो करेगा डेटा, ठीक है। अब देखो याद रखना है कैसे, राइट पीपल आर, जब हम सही होते हैं तब हम ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए होता, राइट पीपल आर वेरी पॉजिटिव, राइट पीपल आर वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो राइट स्क्यूनेस आर पॉजिटिव, राइट स्क्यूनेस आर पॉजिटिव इन नेचर, जहाँ पे यू कैन सी डेटा इज फ्लोइंग दिस साइड, डेटा किधर साइड जा रहा है, राइट साइड डेटा ज्यादा जा रहा है, ठीक है। और ये हम राइट साइड कैसे पता कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जीरो के इस साइड हम नेगेटिव लिखते हैं एंड जीरो के इस साइड हम सारा ही पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं, यहाँ पे सारा ही पॉजिटिव नंबर्स को लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव का मीनिंग, ठीक है। अब देखो नेगेटिवली स्क्यूड मतलब क्या लिख रहे हैं हम लोग, नेगेटिव में आप देख सकते हो ये डेटा इधर ज्यादा जा रहा है, इस साइड ज्यादा झुका हुआ है, इधर में क्या था, इस साइड ज्यादा झुका हुआ था, बट इसमें देख सकते हो इस साइड ज्यादा झुका हुआ है, तो ये आपका नेगेटिव स्क्यूड होता है, क्या नेगेटिव स्क्यूड, जैसे कि यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग डेटा एंड ये रहा, ठीक है, तो ये आपका डेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यूड। जब नेगेटिव होगा मतलब इधर साइड नेगेटिव है, दैट मीन्स योर लेफ्ट साइड स्क्यूनेस हुआ, लेफ्ट साइड स्क्यूनेस। तो जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, आप ऐसे याद रख सकते हो, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं वो लेफ्ट साइड ज्यादा घूमते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो या डायग्राम में, जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब कोई स्क्यूनेस नहीं है, लेकिन जब डेटा आपका राइट साइड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तब ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाता है, जब डेटा नेक्स्ट साइड लेफ्ट साइड ज्यादा घुमा हुआ है तब ये नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है, ठीक है। इजी है, समझ में आ गया, क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नॉर्मल वाला रिलेशनशिप क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का थोड़ा एक एक करके थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं।
जब हम पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करें तब वो राइट स्क्यूड होता है, मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किधर साइड ज्यादा स्ट्रेच करता है, राइट साइड ज्यादा स्ट्रेच करता है, राइट साइड आपका लॉन्गर टेल होता है। दिस यूजुअली हैपेंस जब आपका कुछ वैल्यू जो है ज्यादा से ज्यादा हायर होता है, एंड इन दिस सिनेरियो मीन इज टिपिकली ग्रेटर देन द मीडियन, मीन ग्रेटर होता है मीडियन से, विच इन टर्न ग्रेटर देन मोड ऑल्सो। ठीक है, मतलब आप देखो यहाँ पे जब हम लोग ये बना रहे हैं, ठीक है, दिस वन जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये मीन हुआ, मीन जो है यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन लेट्स सपोज जब डेटा आपका इस साइड ज्यादा नहीं होंगे, इधर ज्यादा है, तब आप देख सकते हो मीन से ज्यादा डेटा इस साइड, मतलब मीडियन की तरफ ज्यादा घूम रहा है डेटा को, डेटा ज्यादा घूम रहा है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, लेफ्ट स्क्यू, जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड करता है लेफ्ट साइड ज्यादा, लॉन्गर टेल किधर होता है, लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है। दिस अकर्स जब कुछ वैल्यू जो होता है मच लोअर देन बल्क ऑफ डेटा, लेफ्ट स्क्यू डेटा होता है, जहाँ पे मीन जो होता है ये कम होता है मीडियन से, मीन मीडियन इज लेस एंड मोड, लेस देन मोड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला डायग्राम में आपको ये वाला चीज क्लियर हो जाएगा। जब डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज मीन मीडियन एंड मोड इक्वल है, तब आपका एक ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके हेल्प से देख रहे हैं हम कि कोई स्क्यूनेस नहीं है, क्योंकि मीन मीडियन मोड इक्वल है, इधर भी 50% इधर भी 50%, कोई इशू नहीं है। बट अब जैसे कि मान लो हम लोग जब पॉजिटिव स्क्यूड की बात करते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड, अब पॉजिटिव स्क्यूड में क्या हो रहा है, ये बीच वाला लाइन तो आपका मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग मीडियन एंड दिस इज मीन, तो मीन सबसे कम होता है, उससे ज्यादा मीडियन एंड सबसे ज्यादा मोड होता है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट में मीन सबसे कम, फिर मीडियन, देन मोड, मीन मीन मोड, ओके। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको समझने का होगा, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूनेस का रिलेशनशिप है डेटा का, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वार्टाइल क्या होता है, डेसाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, ये भी बहुत ईजी है। जब भी हम क्वार्टाइल की बात करें, अच्छा इसको आगे बढ़ने से पहले आप ये लिख लो, जब भी आपका डेटा पॉजिटिव स्क्यूड होगा, पॉजिटिव SKEWED स्क्यूड डेटा होगा, तब आपका मीन, मीडियन एंड मोड इस तरीके का रिलेशन होगा। ठीक है, व्हेन डेटा इज नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड में क्या होगा, नेगेटिवली skewed, SKEWED, negatively skewed में क्या होगा, mean, mean, median and mode, ये relation बनेगा। ठीक है, mean, median and mode। लेकिन जब आपका डेटा पूरा सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल कब होता है, जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब सिमेट्रिकल होता है, उस केस में मीन इज इक्वल टू मोड एंड मोड इज इक्वल टू मीडियन, सभी इक्वल होते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये रिलेशन। अब हम आ जाते हैं क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेकाइल। क्वार्टाइल से आपको क्या समझना है, क्वार्टाइल से आपको समझना है क्वार्टर, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, चार क्वार्टर होता है, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे इसको कैसे शो करेंगे, दिस इज वन टू थ्री, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज क्वार्टर वन, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री। अब इसको कैसे शो करेंगे हम लोग, यहाँ देख लो, आपका जो मंथ होता है जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, यहाँ आ गया, हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इजी था। क्वार्टाइल का मतलब, क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, एंड इन अ ईयर हाउ मेनी क्वार्टर्स डू यू हैव, इन अ ईयर वी आर हैविंग फोर क्वार्टर, तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे शो करेंगे, देखो क्वार्टाइल को शो किया आपके जस्ट सामने, सेम थिंग यहाँ लिखा है, क्वार्टाइल जो है डिवाइड करता है डेटा को फोर इक्वल पार्ट में, किसमें, फोर इक्वल पार्ट में, मतलब ये है कि 25% जो डेटा है वो फर्स्ट क्वार्टाइल में जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 25% डेटा फर्स्ट क्वार्टाइल में गया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टाइल में, 25% के बाद 50% आपका सेकेंड क्वार्टाइल, 75% आपका थर्ड क्वार्टाइल में आएगा, एंड उसके बाद जो भी बचा, इस तरीके से आपका डेटा पूरा स्प्रेड होता है। अब डेकाइल क्या होता है, डेकाइल आपका इक्वल 10 पार्ट्स में बढ़ता है, डेकाइल पूरा 10 पार्ट्स में बढ़ता है, जैसे इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है ना, वैसे ही डेकाइल को हम पूरा 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है 10% ऑफ डेटा,
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे का एज जो होगा ये 10% डेटा शो करेगा, सेकेंड डे का एज जो है ये और 10% शो करेगा, फिर उसी प्रकार से आपका थर्ड, आपका और 10, फोर्थ और 10, फिफ्थ और 10, तो 10 डे का एज दैट इज 10 को रिप्रेजेंट करेगा। एंड हायर कितना होता है इसमें, 10 ही होता है। परसेंटाइल, परसेंटाइल आप एग्जाम दे रहे हो आपको परसेंटाइल मिलता है ना, तो परसेंटाइल रिप्रेजेंट करता है दैट इज द 100 परसेंटाइल, राइट। तो ये पूरा डेटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे हमने 4 में डिवाइड किया, 10 में डिवाइड किया, वैसे 100 लाइंस बनेंगे, आपको बनाना नहीं है। तो फॉर इंस्टेंस 25 परसेंटाइल P25 को रिप्रेजेंट करता है, एंड 25% डेटा फॉल होता है उसमें, 50% P50 को रिप्रेजेंट करता है, 75 P75 एंड 75 ऑफ डेटा फॉल्स इन दैट क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कार्ल पियर्सन के, कुछ लाइक कार्ल पियर्सन के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये भी आपका एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि यूज होता है इस स्क्यूनेस को देखने के लिए, सिमेट्री डेटा है या असिमेट्री डेटा है उसको देखने के लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेवलप किया गया था ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन के द्वारा। फॉर्मूला क्या है, स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज ऑलवेज 0, ये इंडिकेट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन जो है परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सजेस्ट करता है कि नहीं, अगर मान लो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है सॉरी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर पॉजिटिव है तो सजेस्ट करता है कि डेटा मैक्सिमम राइट साइड मूव किया हुआ है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब जो इसका लॉन्गर टेल की तरह होगा राइट साइड होगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नेगेटिव तब होता है जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड ज्यादा होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है, एंड आपका लेफ्ट साइड लॉन्गर टेल होता है। तो आपको कार्ल पियर्सन का समझ में आया होगा है ना, कार्ल पियर्सन का क्या आपको क्लियर है, समझ में आ गया। ये आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस था जिसमें हमने ये फॉर्मूला की हेल्प से इसका स्क्यूनेस को चेक करते हैं। ये फॉर्मूला कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया है जो कि स्क्यूनेस को चेक करने में हेल्प करते हैं, 3 mean minus median divided by standard deviation। अगर आपका skewness is 0, तब मतलब अगर when your skewness is coming as 0, मतलब data जो है perfectly distributed है normal distribution के जैसा, but लेकिन जब आपका data positive में आ रहा है, skewness positive में आ रहा है, skewness किस में आ रहा है, इस formula को apply करने के बाद skewness जो solve किया, ये skewness आपका positive में आ रहा है, मतलब data ज्यादा से ज्यादा right side distributed है, मतलब longer tail किधर होगा, right side होगा। लेकिन जब आपका skewness जो है negative में आता है, negative response आ रहा है, then in that case आपका distribution ज्यादा से ज्यादा left side होता है, negatively skewed and longer tail towards the left side, longer tail towards the left side। यहाँ पे देख सकते हो coefficient of skewness क्या show किया हुआ है, is 0। 0 कब होगा, जब आपका symmetrical distribution होगा। symmetrical distribution कब होता है, जब आपका data normally distribute होता है, normally distribution के case में होता है। तो जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 आ रहा है, मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है परफेक्टली सिमेट्रिकल है, मतलब ये कि डेटा प्रॉपर तरीके से स्प्रेड किया हुआ है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन को शो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व को शो कर रहा है। लेकिन मान लो जब आपका डेटा प्लस और माइनस प्लस और माइनस में आ रहा है, मतलब प्लस वन या माइनस वन में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉल करता है विद इन द रेंज ऑफ प्लस या माइनस वन, तो ये आपका असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जहां पे डेटा प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब आपका वैल्यू प्लस में आ रहा है, प्लस वन के में आ रहा है या फिर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये हो रहा है कि टेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड ज्यादा से ज्यादा है। कन्वर्सली अ वैल्यू विच इज क्लोजर टू माइनस वन अगर आता है, विच इज अ नेगेटिव स्क्यू, मतलब ये हुआ कि टेल जो है ये आपका लॉन्गर साइड ज्यादा किधर है, लेफ्ट साइड। तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीन स्क्यूनेस देख लो, मीन मोड एंड स्क्यूनेस, इफ द मीन इज ग्रेटर देन मोड, अगर मीन जो है ये ग्रेटर देन मोड होगा, क्या लिखा है, इफ मीन इज ग्रेटर देन, किससे कंपेयर कर रहे हैं, मोड से कंपेयर कर रहे हैं, इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड, इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड, मतलब ये हुआ कि देर आर मोर हाई वैल्यूज इन डेटा सेट कंपेयर टू मोस्ट कॉमन वैल्यू, मतलब क्या है कि यहाँ पे ज्यादा आपका हाइएस्ट वैल्यू है, मोर देन मोर हाइएस्ट वैल्यू इज यूज, मोर highest value is used and most compared to most common value, high value is used compared to common value। ये scenario तब होता है जब positively distribution होता है, मतलब ये आपका first वाला scenario किसको represent करता है, positive relation को show करता है, positive skewness को show करता है,
पॉजिटिव स्क्यूनेस को शो करता है, जहां पे टेल जो है किधर साइड मूव करेगा, टेल विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड मूव करेगा, ठीक है। Whereas, जब देखोगे टेल एक्सटेंड टुवर्ड्स द हायर वैल्यू, कन्वर्सली अगर मीन कम है मोड से, व्हेन योर नेक्स्ट रिलेशनशिप देख लो, नेक्स्ट व्हेन योर मीन इज लेस देन योर मोड, इससे कंपेयर कर रहे हैं मोड से, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, व्हेन मीन इज लेस देन मोड देन इन दैट केस, ये सजेस्ट करता है कि दैट देयर आर मोर लो वैल्यू इन डेटा सेट, मतलब यहाँ पे हम हाईएस्ट नहीं, यहाँ लोएस्ट वैल्यू को हम ज्यादा यूज करें, मोर ऑफ द लोएस्ट वैल्यू इज यूज्ड, है ना, एंड डेटा सेट कंपेयर टू मोस्ट कॉमन वैल्यू लीडिंग टू नेगेटिवली स्क्यूड, और यहाँ पे आपका इसके वजह से ये नेगेटिव स्क्यूनेस शो करता है, नेगेटिव स्क्यूनेस को शो करता है, स्क्यूनेस को शो करता है, जिसके वजह से जो ये टेल है ये किस साइड मूव करेगा, ये आपका लेफ्ट साइड ज्यादा मूव करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि बोले कोएफिशिएंट, तो बोले का बता दे रही हूँ, बोले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या शो करता है, ये आपका दूसरा मेजर्स है जिसके हेल्प से हम डेटा का सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। पियर्सन के जैसा बोले ने भी अपना कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया, जो कि आपका मीन मीडियन पे रिलाय नहीं करता है। आपने देखा अभी जो हमने कार्ल पियर्सन का पढ़ा, कार्ल पियर्सन में आपने मीन मीडियन एंड मोड का देखा, ठीक है, कि उसका उनका जो कोएफिशिएंट है वो आपका मीन मीडियन एंड मोड पे डिपेंड करता है। बट बोले का जो है, बोले का स्क्यूनेस डिपेंड करता है किस पे, क्वार्टाइल पे डिपेंड करता है, क्वार्टाइल पे, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल पे, ठीक है। तो फॉर्मूला जो बोले ने दिया है स्क्यूनेस चेक करने के लिए, वो उन्होंने क्वार्टाइल के हेल्प से दिया है, जिसमें फॉर्मूला आप देख सकते हो Q1 प्लस Q3 माइनस 2Q2 एंड Q3 माइनस Q1, जिसमें Q1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसमें 25% फिर 25% आता है, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल जिसमें 58% एंड Q3 थर्ड क्वार्टाइल दैट इज 75%। तो सिमिलर टू पियर्सन कोएफिशिएंट, बोले ने भी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है, जिसके हेल्प से हम डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ स्क्यूनेस देख सकते हैं। बट इनका पॉजिटिव होता है राइट स्क्यूनेस एंड लॉन्गर टेल टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव होगा जब आपका लेफ्ट स्क्यूनेस होगा, लॉन्गर टुवर्ड्स टुवर्ड लेफ्ट, एंड जीरो मतलब सब कुछ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे मीन मीडियन और मोड को नहीं यूज करके क्या यूज किया गया है, क्वार्टाइल को यूज किया गया, क्वार्टाइल को, ठीक है। अब बोले का जो कोएफिशिएंट है, इसको हम क्वार्टाइल वैल्यू से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे बोले ऑफ कोएफिशिएंट Q1 आप जानते हो 25th percentile, Q2 रिप्रेजेंट करता है 50 एंड Q3 75। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको हेल्प करता है मीडियन चेक करने में, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल मीडियन, एंड डिवाइड कर देना उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो रिजल्टिंग फ्रॉम SKB दैट इज स्क्यूनेस ऑफ बोले कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन द पॉजिटिव मतलब राइट होगा, नेगेटिव मतलब यहाँ लेफ्ट साइड ज्यादा मूव होगा, जीरो मतलब असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ देखो अब एक चीज देखेंगे, हमारा स्क्यूनेस और कुर्टोसिस क्या होता है, ठीक है। स्क्यूनेस मतलब तो आपने देखा, स्क्यूनेस मतलब क्या देखा आपने, कि आपका जो डेटा है डेटा दैट इज मोर टुवर्ड्स राइट और मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट, और जब आपका राइट में होगा तब आपका स्क्यूनेस का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, लेफ्ट में होगा तब नेगेटिव में आएगा, ये आपका स्क्यूनेस का मतलब हुआ। लेकिन एक होता है आपका कुर्टोसिस, कुर्टोसिस क्या बताता है, कुर्टोसिस बताता है आपका पीकनेस ऑफ डेटा, पीकनेस ऑफ डेटा मतलब क्या हुआ, ये तो आपका इसका इधर फैल रहा है ज्यादा या फिर इधर फैल रहा ज्यादा ये बताता था, बट कुर्टोसिस बताता है आपका डेटा का हाइट, द हाइट ये वाला, ठीक है, दिस इज द कुर्टोसिस, हाइट बताता है हाइट, ठीक है, पीकनेस, दैट्स व्हाई पीकनेस टेलनेस लिखा हुआ, ठीक है। स्क्यूनेस जो है ये आपका लैक ऑफ सिमेट्री इन डेटा, ठीक है, कुर्टोसिस पीकनेस एंड टेलनेस, स्क्यूनेस जो है यहाँ पे आपका डेटा सिमेट्रिक नहीं होता है, क्योंकि अगर सिमेट्रिक होगा तब वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, यहाँ पे भी आपका सिमेट्री नहीं होता है। ये आपका डायरेक्शन को बताते हैं, ये आपका डायरेक्शन नहीं बताता है, क्या बताता है, हाइट बताता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन ये हाइट बताता है, बट यहाँ पे आपका राइट डायरेक्शन है, लेफ्ट डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है वो बताता है। स्केल अनबाउंडेड, यहाँ पे आपको तीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यू कैन यूज, दैट इज आपका हाई कुर्टोसिस मतलब एकदम शार्प पीक होगा, हाई कुर्टोसिस दैट मींस दिस हाई कुर्टोसिस मतलब ये आपका शार्प होगा, वेरास लो कुर्टोसिस भी होता है, लाइट टेल भी होता है, नीचे देखेंगे अभी, ये आपका राइट ही होता है और लेफ्ट ही होता है, बस स्क्यूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम स्कोर आपका कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, लाइक कभी आप इधर साइड ज्यादा फैलते हो इधर साइड कम फैलते हो, ठीक है। तो कुर्टोसिस बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कुर्टोसिस में तीन होता है, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक
प्लेट अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देख सकते हो तीनों हाइट, ये इसका इतना कम हाइट है, ठीक है, इसका देख लो इसका कितना अच्छा हाइट है थोड़ा, और यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट था। तो आपका फोटोसिस जो हुआ, फोटोसिस क्या बताता है, फोटोसिस हमेशा हाइट पे बात करता है। हाइट मतलब क्या हुआ, हमेशा ये पीकनेस पे बात करेगा, पीकनेस पे। अब जैसे कि सबसे हाई जो होगा उसको क्या बोलेंगे, लेप्टोकॉर्टिक, उससे कम को क्या बोलेंगे, मेसोकॉर्टिक, सबसे कम को क्या बोलेंगे, प्लेटिकॉर्टिक, क्या बोलेंगे, प्लेटिकॉर्टिक। यहाँ भी देख सकते हो प्लेटिकॉर्टिक जो है ये आपका फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है जो कि लेस देन 3 होता है। मेसोकॉर्टिक जो आपका ना ही काफी लंबा है ना ही काफी छोटा है, ठीक है, लाइक स्कोर जो है दैट इज इन द सेंटर दैट इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे देखोगे दैट इज हाई, एकदम ज्यादा है, दैट इज आपका लेस देन 3, ठीक है। टेल प्रोनाउंस्ड पीक, बहुत हाई पीक है इसका, ठीक है। तो मेसोकॉर्टिक, लेप्टोकॉर्टिक आपका एंड प्लेटिकॉर्टिक यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, ठीक है। हाँ, मेसोकॉर्टिक क्या हो जाएगा, मेसोकॉर्टिक में आपका फोटोसिस स्टैटिस्टिक सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा होता है, बिल्कुल ही। मेसोकॉर्टिक किसके जैसा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा, क्योंकि जितना हाई जा रहा है मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा, ठीक है। एंड सिमिलर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा, डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज लेवल पीकनेस को बताता है, टेल थिक होता है, सिमिलर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें ना ही ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू होता है स्टिकिंग आउट। लेप्टोकॉर्टिक, लेप्टोकॉर्टिक में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर एंड टेल जो है फ्लैटर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, पीक इज हाइयर शार्पर, इंडिकेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम वैल्यू को, एंड नैरो एंड हॉरिजॉन्टल होता है, स्किनी अपियरेंस, स्किनी पीक ऑन ग्राफ। लेप्टोकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक्सट्रीम वैल्यू को शो करता है, यूजुअल मेकिंग टेल ऑफ ग्राफ फ्लैटर, इट्स लाइक हैविंग रियली हाई डेटा, ठीक है। एंड प्लेटिकॉर्टिक जो सबसे शॉर्ट होता है, सबसे शॉर्ट, थिनर टेल होता है, थिनर कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पीक इज लोअर, ब्रॉडर, इंडिकेट करता है फ्यूअर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ आउटलायर, ठीक है। तो फ्लैटर होता है और साथ ही साथ फ्लैटर ऑन ग्राफ, प्लेटिकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूअर एक्सट्रीम वैल्यू सो दैट टेल ऑफ द ग्राफ इज थिनर, डेटा पॉइंट काइंड ऑफ सिमिलर, मेनी आउटलायर। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा क्लास आज का। और दूसरा बात ये कि आपको सीक्वेंस याद करना है, सबसे पहले लेप्टोकॉर्टिक होता है, फिर मेसोकॉर्टिक होता है, फिर आपका प्लेटिकॉर्टिक होता है, फिर प्लेटिकॉर्टिक होता है, ठीक है। एंड जो मैंने आपको बताया अभी लाइक कार्ल पियर्सन का, वो मैं फिर से बता रही हूँ, कार्ल पियर्सन का आपका स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन आप चेक कर सकते हो, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मान लो जैसे कि आपको स्क्यूनेस चेक करना है इसका, ठीक है, तो मैंने आपको दो नंबर दिया, 6 माइनस मान लो 2 दिया डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 4/7। अब यहाँ पे देखो, इसको 7 नहीं, इसको 1 देखते, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको 1 दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 पढ़ा है ना हमने, तो दिस इज 4, तो ये 4/1 जो कि आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में आ रहा है, तो ये आपका कौन सा डेटा होगा, ये आपका राइट साइड ज्यादा स्क्यूड होगा, राइट साइड ज्यादा स्क्यूड होगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल सा डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको अभी इन्फॉर्म किया। चलो, क्लियर है यहाँ तक, अब बाकी का क्लास नेक्स्ट, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, और कुछ भी अगर डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको सारी अपडेट्स ऑनलाइन मिल सके। और अब सारे क्लासेस मैं अभी रिकॉर्डेड भी डाल रही हूँ, लाइव नहीं ले रही हूँ क्योंकि इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।